नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अरुण राव जी के GS में आपका स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन हैं? रामायण के रचयिता कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाल्मीकि। आपका अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेंडल ने। दोस्तों, आज हम जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पवन का वेग। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टाइलिन। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए हेल्पफुल होगा, अतः आप वीडियो पर बने रहें। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थॉमसन। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षा से। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा से। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 जून। आपका अगला प्रश्न है, घना पक्षी बिहार स्थित है? घना पक्षी बिहार स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अप्सरा। आपका अगला प्रश्न है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज। आपका अगला प्रश्न है, हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्पिल। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिल्की वे। आपका अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बृहस्पति।
आपका अगला प्रश्न है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है? भारत में कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयपुर। आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राणा कुंभन। आपका अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18। आपका अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोहा। आपका अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, युम्बक गांव। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैजा। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।